श्याम सुंदर मथुरा का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। बलराम ने कहा, श्याम किसी से बोलोगे नहीं, ये वृंदावन की और गोकुल की नारियां गोपियां नहीं है, ये मथुरा की। भगवान को पीछे किया, सभी ग्वाल मंडली आगे जा रही है। भगवान ने क्या देखा, मथुरा में एक भगवान की भक्त रहती थी, नई बहू है वो, भगवान की बहुत बड़ी पुजारिन थी। कुआ पे आई पानी भरने के लिए, भगवान ने देखा है कि जब आ गए हैं तो चलो इसे दर्शन भी देते चले, बहुत बड़ी भक्तन है। भगवान ने देखा भैया आगे निकल गए हैं, एकदम से कन्हैया वहां पहुंचे और उनकी ओर देख करके कहने लगे, ने मौता खोली अकेली चली गई है, कब साथ ले आती तो, इतनी दूर आई अकेली चली गई। और जैसे ही बहू ने मुंह खोल के देखो, मन ही मन में विचार करने लगी, बाजी वाह हमारा सौभाग्य है कि मुझे प्रभु का दर्शन हो गया, धन्य हो गई। तब तक मनसुखा ने देखा, मनसुखा कहने लगा, देख लिया दाऊ भैया, तुम्हें कन्हैया से कितनी भी मना करो लेकिन इनकी याद थोड़ी नहीं जाएगी, वो देखो वो बतलाए रहे। बलराम ने आवाज लगाई, कन्हैया जी भैया क्या कर रहे थे वहां? बोले दोस्त मेरा नहीं है, आप लोग आगे निकल आए हम पीछे रह गए, तो उन्होंने हमें बुलाया, जब पूछी कि तुम कहां से आए, हम बताने लगे मेरे दोस्त को आ जाओ। बोले हाँ दोस्त हो ना दोस्त हो, हाँ हो, तुम आगे चलो हम पीछे चल रहे, अब हम देखेंगे तुम बोलते हो कि तुमसे कोई बोलता है। अब भगवान आगे आगे चले, भगवान ने आगे बढ़े, क्या देखा है, एक धोबी है जिसके सर पर वस्त्रों की पोटली है, और भी धोबी, धोबी के पास में भगवान पहुंचे, धोबी दारू के नशे में मदमस्त था, पूरी गली में नहीं बोला। भगवान धोबी के पास में पहुंचे, बोले भैया इन कोठरियों में क्या है? कंस कहने लगा, दिखता नहीं राजसी पोशाके हैं। भगवान कहने लगे, आप कौन हो? महाराज कंस के धोबी, इसमें पोशाके हैं। भगवान कहने लगे, धोबी भैया बोला ना, कंस की तो मेहमान भी है, तो क्या करें, उठा के सर पर बिठा ले, वस्त्रों से हम बहुत दुखी हैं, दो दिन के लिए हमें वस्त्र दे दो, परसों जब हम लौट करके जाएंगे तो हम तुम्हें वापस किए जाएंगे। अच्छा ये पोशाक तुम्हारे मौके लायक नहीं, अगर इतनी शौक थी तो नंद बाबा से क्यों नहीं बनवा लिए? भगवान श्याम सुंदर से अपशब्द धोबी बोला, भगवान से धोबी दबा नहीं। भगवान कहने लगे, धोबी जमीन पे गिर गए। काफी देर तक तो बेहोशी में बना रहा, थोड़ी देर के बाद में धोबी का प्राण तो हो गया, खत्म हो गया। अन्य धोबी थे, डर की वजह से पोटली छोड़ी और भाग गया। भगवान ने अपने सखाओं से कहा, जिसे जो सा वस्त्र अच्छा लगे अपने मर्जी से पहन सकता है। अब राजसी वस्त्र थे, ग्वाल वालों ने कभी देखे नहीं कि ये कहां किस जगह पहने जाएंगे, उल्टे सीधे वस्त्र सभी शका पहनने लगे। कुर्ता में पैर डाल लिए, पाजामा में हाथ डाल लिया, रूमाल कमर से बांध लिया,
भगवान हंसने लगे, बोले ये वस्त्र ऐसे थोड़ी नहीं पहने जाएंगे। भगवान कन्हैया का एक भक्त था जो मथुरा में दर्जी, उस दर्जी ने देखा तो हाथ जोड़े और जवाब दिया, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो आपके शकाओं को हम ये फिट करके वस्त्र पहना दें। भगवान ने आदेश दिया, उस दर्जी ने सभी को फिट करके वस्त्र पहनाए। वंश का बहुत खुश हुआ कि हम वस्त्रों से दुखी थे, कन्हैया थोड़ी देर आगे आगे चलो मैं सही फायदा हो गया। बोले श्याम तुम ही आगे आगे चलो। भगवान और आगे बढ़े, क्या देखा है कि स्त्री तीन जगह से टेढ़ी लाठी का सहारे से धीरे धीरे आ रही है, लाठी के सहारे से तीन जगह से टेढ़ी है, देखने में बड़ी कुबड़ी लगती है। भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, हे देवी तुम कौन हो? उस स्त्री का नाम था कुब्जा। कुब्जा सोचने लगी, इस मथुरा में इतने अच्छे से प्रेम से बोलने वाला और मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं है, ये कौन है जो इतने प्रेम से बोल रहे हैं? पीछे मुड़के देखा, भगवान है जिनकी प्रतिष्ठा में कुब्जा जी रही थी। कुब्जा ने कहा है, प्रभु मेरा नाम है कुब्जा, मैं कंस की दासी हूँ, कंस के तिलक करने जा रही हूँ। भगवान कहने लगे, कुब्जा हम भी महाराज कंस के मेहमान हैं, क्या आप हमें भी तिलक कर सकती हो? कुब्जा कहने लगी, प्रभु तुम्हारे तिलक करने के लिए तो मैं इंतजार में प्रतीक्षा में जी रही थी, आज अगर तिलक कर लूंगी तो मैं धन्य हो जाऊंगी। भगवान कहने लगे, तो मेरे तिलक करो। मनसुखा काल लगो, देख लिया बलराम भैया कोई बोल लायक हो या न हो, जाके हाथ के छुए जनऊ ना चबे जयो कातुका की हमारे तिलक कर दे। इस पर तो नहीं तिलक करवाइए, जब हमारे पास मनाएगी तो ऐसा थका देंगे दोबारा उठ। भगवान कहने लगे, तुम हमारे तिलक करो। कुब्जा बेचारी तिलक करने के लिए उचक उचक के रह जाती, लेकिन भगवान के माथे तक उनके हाथ नहीं पहुंचे तो भगवान को तरस आ गया। कुब्जा के पैर पर अपना पैर रखा, थोड़ी से हाथ लगाया, फिर क्या किया?